नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ गन्ने से संबंधित नई जानकारी लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जब हमारे गन्ने की फसल में कुछ पत्तियाँ सूखने लगती हैं, क्योंकि दोस्तों अधिकतर हमारे जो एरिया में हैं वो CO0238 गन्ना लगाया हुआ है और इस समय कुछ खेतों में जो पत्तियाँ हैं वो सूखती दिखाई देती हैं। ये किनारों से सूखनी स्टार्ट होती है और पूरी पत्ती सूख जाती है, कभी कभी आधी पत्ती सूख जाती है। इससे हमारे किसान घबरा जाते हैं और उसमें विभिन्न तरह के पेस्टिसाइड फंजिसाइड प्रयोग करने लगते हैं और जो पैसा है वो बेकार जाता है। तो दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का फंजिसाइड या पेस्टिसाइड प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, इसका जो कारण होता है वो होता है ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी। इस समय जो जून का महीना है इसमें काफ़ी गर्मी बढ़ गई है और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई हो गया है। तो दोस्तों, हमारे कुछ खेतों में पत्तियां सूखनी शुरू हो गई हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा अपने खेत में या पड़ोस के खेत में कुछ पत्तियां सूखनी स्टार्ट हो गई हैं। यदि आपके खेत में भी ये प्रॉब्लम है तो आपके इस वीडियो को देख कर अपनी समस्या का समाधान कर लें। तो दोस्तों, इसके लिए जो ज़रूरी है वो है आप समय पर सिंचाई करते रहें। यदि आप समय पर सिंचाई करेंगे तो ये इस समस्या से जो है हमें छुटकारा मिलेगा और इसमें किसी भी तरह का कोई पेस्टिसाइड्स या फंजिसाइड का प्रयोग आवश्यक नहीं है। और दोस्तों, इसका जो प्रमुख कारण एक और है वो है फर्टिलाइजर्स का प्रयोग। जैसे कि हमारे किसान यूरिया का स्प्रे करते हैं, उसमें थोड़ी सी डोज ज़्यादा लग जाती है तब भी ये समस्या आ जाती है। और हमारे किसान NPK 19:19, NPK 20:20, NPK 18:18 इसका प्रयोग पत्तियों पर करते हैं, उसमें थोड़ी डोज ज़्यादा लग जाती है तब भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए आपको ये काम करना है कुछ समय के लिए, जब तक कि आपकी फसल ठीक ना हो जाए तब तक के लिए फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। और दोस्तों, इस प्रकार आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं और कुछ समय में ये आपकी जो फसल है वो ठीक हो जाएगी, पत्तियां सूखनी बंद हो जाएगी। आप सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, नमी बनाए रखें। जब फसल की जो ज़मीन है सूखनी स्टार्ट हो उससे पहले ही आप सिंचाई कर दें। इस प्रकार पत्तियां सूखने पर आप कंट्रोल पा सकते हैं और अपनी पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों चैनल पर जानकारी करने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जो साथ में ये बेल आइकॉन का जो बटन होता है उसे भी दबा दें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।